हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन 1 to 14 हमारे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ एक्स माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर और पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये हमारे पास टर्म दे रखी है, इसके अंदर जब हम डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, जो इंडिपेंडेंट होगा ए और बी से। हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से देखते हैं हम। इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आ जाएगी 2 आ गया x माइनस ए प्लस इसमें 2 आगे आ जाएगा y माइनस बी और y का क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, क्या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आए 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस था इधर, इधर लेके आए माइनस एक्स माइनस ए, फिर ये क्या बचेगा मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब हम किसकी फॉर्म लगाएंगे u बाई वी का फॉर्मूला, वी स्केयर ऊपर क्या आएगा माइनस को हमने बाहर ले लिया, वी एज इट इज वाई माइनस बी मल्टीप्लाई, और u हमारे पास क्या x माइनस ए, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस ए एज इट इज मल्टीप्लाई y माइनस बी, y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए मल्टीप्लाई dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देंगे माइनस x माइनस ए बाई वाई माइनस बी, और y में क्या y माइनस बी का होल स्केयर माइनस, जब हम इसको लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा ये भी हमारे पास 2 पावर, पहले से 1 पावर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 पावर हो जाएगी माइनस, और इसकी जब हम एलसीएम लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी वाई माइनस बी का स्केयर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्केयर। ये जो हमारे पास है y माइनस बी स्केयर प्लस एक्स माइनस ए स्केयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो क्या यही है हमारे पास x माइनस ए का स्केयर प्लस y माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल है c स्केयर के, तो इसके पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं c स्केयर, तो क्या आया माइनस c स्केयर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर। अब जो हमारे पास वैल्यू क्या थी इसके अंदर पुट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, इसमें पुट करेंगे क्या आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारे पास माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी और पूरे का क्या है स्केयर, और फिर उसकी पूरे की पावर कितनी दे दी 3/2 डिवाइडेड बाई डबल डेरीवेटिव क्या है माइनस सी स्केयर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो इसका स्केयर अलग से हो जाएगा, इसका अलग से, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा वाई माइनस बी का स्केयर इसकी और 1 की मल्टीप्लाई वाई माइनस बी स्केयर प्लस एक्स माइनस ए स्केयर पूरे की पावर कितनी है 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस सी स्केयर वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास किसके इक्वल है वही फर्स्ट इक्वेशन है किसके इक्वल है सी स्केयर, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे सी स्केयर रख देंगे, इसकी जगह हमने क्या रखा सी स्केयर, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्केयर बाई वाई माइनस बी का स्केयर पावर 3/2, नीचे क्या है माइनस सी स्केयर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या आएगा स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी सी की पावर 3, इसी तरह इससे ये कैंसिल हो जाएगा वाई माइनस बी की पावर भी 3, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस सी स्केयर, अब सी इससे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा सी स्केयर से सी की एक दो पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी पावर बचेगी 1, तो क्या आ जाएगा माइनस सी, अब विच इज ए कॉन्स्टेंट, ये क्या आ गया कॉन्स्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही हमें प्रूव करना था कि इसको अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इफ कोस वाई इज इक्वल टू एक्स,
cos a plus y with cos a not equal to plus minus 1. Prove that dy by dx is equal to cos square a plus y divided by sin a. हमें दे रखा है cos y is equal to x cos a plus a y. अब देखते हैं हम, जब अगर हम कम से कम या तो y को या x को किसी भी एक को अलग निकाल सकते हैं, बट यहाँ से अगर y को ख़त्म करेंगे तो इधर cos inverse हो जाएगा, फिर और भी बढ़ाएगा क्वेश्चन. इसलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू cos y बाई cos a plus a y. अब हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. इधर क्या आ जाएगा, dx एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यू बाई वी. क्या आ जाएगा, v का स्केयर, v एज इट इज cos a प्लस वाई मल्टीप्लाई cos y का क्या आएगा, माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा यहाँ 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है y. माइनस बाहर आ जाएगा, cos y एज इट इज मल्टीप्लाई cos a प्लस वाई का क्या आएगा, माइनस साइन a प्लस a y, और y का क्या होगा 1. dx एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस कोस वाई साइन ए प्लस वाई. फिर हमने प्लस के टर्म को आगे लिख लिया, माइनस की पीछे, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस वाई का होल स्केयर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कॉस ए. ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, साइन ए माइनस बी का, माइनस है तो माइनस बनेगा, साइन ए हमारे पास क्या है प्लस वाई, और बी हमारे पास क्या माइनस वाई आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, साइन ए बाई कोस स्केयर ए प्लस वाई. हमें प्रूव क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने क्या निकाला, डी एक्स बाई डी वाई, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस स्केयर ए प्लस वाई बाई साइन ए, और यही हमें प्रूव करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, फाइंड d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर. x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस t sin t, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, a एज इट इज रहेगा, cos t का क्या आएगा, माइनस sin t प्लस, इसमें क्या लगा देंगे, u इंटू v, t एज इट इज, sin t का क्या आया, cos t प्लस, sin t को एज इट इज रख लिया, और t का क्या हो जाएगा 1. अब ये क्या आ जाएगा, प्लस का sin t, ये क्या माइनस का, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी cos t, ये आ गया हमारे पास. y क्या दे रखा है, a इंटू टी sin t माइनस t cos t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, dy by dt इज इक्वल टू a एज इट इज, sin t का cos t माइनस t एज इट इज, cos का क्या आ जाएगा, माइनस sin t, फिर बीच में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, cos t एज इट इज, और t का क्या हो जाएगा 1. अब हमारे पास a एज इट इज cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, और माइनस cos t से cos t कैंसिल, क्या आ जाएगा a t sin t. dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dt, dy by dt क्या, a t sin t डिवाइडेड बाई a t cos t, से ये कैंसिल, sin by cos क्या आ जाएगा 10 t. अब हम करेंगे d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर, तो क्या आ जाएगा, 10 का क्या आ जाएगा, sec स्केयर t, और t का क्या हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अब हम, तो t का क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्केयर t मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स, जो dx एक्स बाई डी टी था इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 बाई ए टी cos t, और क्या आ जाएगा, cos 1 बाई cos क्या होता है, sec, एक और sec ऊपर जाएगा, 2 पावर पहले से एक और इंक्लूड होगी, तो क्या आ जाएगा, sec क्यूब t बाई ए टी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यूब शुड दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड ए, फाइंड इट. हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है कि मोड ऑफ एक्स का होल क्यूब. अब हमारे पास ये है कि होल क्यूब दे रखा है और मोड ऑफ एक्स है, तो दो पार्ट्स में होगा, एक बार ग्रेटर देन जीरो, एक बार लेस देन जीरो में आएगा. एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स क्यूब. एक्स क्यूब जब कब होगा, जब एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी. अगर हमें जीरो से बड़ी होगी तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन पॉजिटिव लिया. माइनस एक्स क्यूब कब लिया, जब एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो से लेस देन होगा. तो हमारे पास दो कंडीशन बन गई, एफ एक्स क्यूब इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स लेस देन जीरो.
फर्स्ट हमने ले लिया इफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा थ्री पावर आगे आ जाएगी थ्री एक्स स्क्र, और डबल डैक्स एक्स क्या आ जाएगा थ्री टू जहाँ सिक्स एक्स। अब इसी तरह से इफ x है लेस देन जीरो है तो क्या आ जाएगा एफ एक्स कितना है माइनस एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा थ्री आगे आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्र, एंड एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा थ्री टू जहाँ सिक्स माइनस सिक्स एक्स, हैंस एफ डैश डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए फॉलो। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशंस लिख देंगे एफ डबल डैश एक्स क्या आया कि सिक्स एक्स इफ एक्स हमारे पास क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, और माइनस सिक्स एक्स कब होगी जब हमारे पास एक्स क्या होगा लेस देन जीरो, इट मीन्स नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। देखो ये हमारे पास दे रखा है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू वन, वन के लिए ट्रू दिखाएंगे फंक्शन, फिर n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, मान के चलेंगे कि k के लिए हमारे पास ट्रू है, फिर उसके बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कि k प्लस वन के लिए भी फंक्शन ट्रू होगा। देखते हैं कैसे, लेट पी एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन, पुट कर दिया n इज इक्वल टू वन तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, एक्स की पावर वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो किसी की पावर जीरो होता है वो क्या होता है वन, और x का डेरिवेटिव भी क्या होगा वन, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। फिर हम पुट करेंगे कि n इज इक्वल टू k, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस वन इज ट्रू, उसके बाद हमें प्रूव किसके लिए करना है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, तो हमने अप्लाई किया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k प्लस वन, जब इधर प्रूव करेंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस वन x की पावर k की जगह k प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा k प्लस वन x की पावर k, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k प्लस वन, ये हमारे पास दे रखी है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k प्लस वन, इसको हमने ब्रेक कर लिया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k इंटू एक्स की पावर वन, बेस सेम है पावर ऐड होगी यही आ जाएगा। अब क्या लगा देंगे u इंटू वी, एक्स की पावर k एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k, x की पावर k एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या आएगा वन प्लस x एज इट इज रख लिया, और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k ये क्या होता है k इंटू एक्स की पावर k माइनस वन इज इक्वल टू, अब दोनों में देखो हमारे पास x की पावर k और इधर से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 1 है, और ये दोनों को पहले इकट्ठा करेंगे क्या आ जाएगा x की पावर k प्लस k, x की पावर कितनी हो जाएगी k माइनस 1 और एक पावर ये होगी प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, दोनों में क्या है x की पावर k, दोनों में से x की पावर k कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा 1 प्लस k, और ये हमारे पास क्या हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, और इसी से हमें किसका फॉर्मूला निकालना है कोसाइन का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है हमें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हमने क्या किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का क्या आ जाएगा इधर डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ साइन ए इंटू कोस बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस ए इंटू साइन बी, इसमें भी यू इंटू वी लगेगा इसमें भी यू इंटू वी लगेगा, साइन का क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए का क्या आ जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो क्या आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें यू इंटू वी लगाएंगे साइन ए एज इट इज कॉस बी का क्या आएगा माइनस साइन बी, और बी का क्या आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी एज इट इज रख लिया साइन ए का कॉस ए, और ए का क्या आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स, फिर आ जाएगा प्लस, अब इसका करेंगे
कोस ए एज इट इज रख लिया, साइन बी का क्या आएगा, कोस बी, और बी का क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, प्लस साइन बी एज इट इज रख लिया और कोस ए का क्या आएगा माइनस साइन ए का क्या आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स। अब हमारे पास क्या है, कोस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको लिखा माइनस को आगे ले लेंगे, माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स प्लस कोस ए कोस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस कोस ए कोस बी डी बी बाई डी एक्स और प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स। अब देखो इन दोनों में क्या है, डी ए बाई डी एक्स कॉमन, इन में दोनों में डी बी बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या कर देंगे डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आगे इसको लिख लेंगे क्योंकि प्लस दे रखा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस इन दोनों में से क्या ले लेंगे डी ए बाई डी एक्स कॉमन, क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो दोनों में सेम टर्म है तो दोनों में से यही टर्म हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स बचेगा, तो दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया, इधर तो हमारे पास सेम वही रहेगा, उधर से हमने कॉमन क्या ले लिया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लेंगे हम, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास एक साइड से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बचेगा, उससे ये का ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आया कोस ए प्लस बी, इधर क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यही हमारे पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ठीक है यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डज देर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, हमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करना है, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हर एक जगह पे कंटिन्यूस एवरीवेयर हर जगह कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, से कम दो पॉइंट्स पे, जस्टिफाई यूअर आंसर। कोई भी हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मोड का ही लेके चलते हैं, हम कोई भी मोड का एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि मोड हमेशा कभी भी देखते हैं तो मोड हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज ए कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल पॉइंट्स बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन इसका हम कभी भी डेरिवेटिव नहीं कर सकते, डेरिवेटिव नहीं कर सकते तो हम क्या बोल देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है एट टू पॉइंट्स, किस किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी प्रूव दैट, डी वाई बाई डी एक्स के लिए प्रूव करेंगे। देखो y आपको दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जैसे हम u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के लिए करते थे सेम हमारे पास वही रहेगा कि एक का डेरिवेटिव करेंगे, दो को एज इट इज रखेंगे प्लस फिर दो का को एज इट इज फिर एक का डेरिवेटिव, ऐसे करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, दो को एज इट इज रखा एल एम एन ए बी सी प्लस फिर फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकेंड का हमने डेरिवेटिव कर दिया डी एल बाई डी एक्स डी एम बाई डी एक्स और डी एन बाई डी एक्स, इसको हमने एज इट इज रख लिया प्लस फिर फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज रख लिया, थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स और डी सी बाई डी एक्स। अभी इसको करेंगे सॉल्व कैसे आया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स ये क्या है एल एम एन ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एज इट इज, अब एल का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एल कोई कॉन्स्टेंट हो गया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या आ जाएगा जीरो, ये भी हमारे पास जीरो और ये भी जीरो, लास्ट क्या है ए बी सी, इसी तरह से ये हमारे पास एज इट इज रहेंगे और लास्ट वाला क्या हो जाएगा जीरो 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 आ जाएगा। और जब भी कभी हम डिटर्मिनेंट का जहाँ अपने चैप्टर पढ़ाया डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो और ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये बचेगा आपके पास, ये आपको प्रूव करने कैसे, ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी प्लस दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो को इसमें इंक्लूड करेंगे ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x और x हमारे पास क्या है लेस देन या
ग्रेटर देन दोनों के लिए कंडीशन दे रखी है, और इक्वल के लिए भी, माइनस वन के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, और वन से छोटा या वन के इक्वल, शो दैट हमें प्रूव करना है। वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करते एक बार एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई ए एज इट इज और कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाई स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए, और ये हमारे पास क्या है एज इट इज वाई, तो इसकी जगह क्या लिख दिया वाई डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, क्या कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ भी स्क्वेयर हो जाएगा, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यू इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज रख लिया मल्टीप्लाई, अब इसकी पावर का करेंगे टू आ गया आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वन पावर बचेगी हमारे पास मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस ये हमारे पास एज इट इज रहेगा और इसका करेंगे क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर एज इट इज रहेगा वाई स्केयर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास इसमें से टू कॉमन ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा वन माइनस एक्स स्केयर और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स बचेगा और डी वाई बाई डी एक्स, टू पावर थी एक आगे आ गई एक बचेगी हम इज इक्वल टू टू ए स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल और टू से टू कैंसिल, ये क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर वाई, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर वाई, ये इधर प्लस है इधर ले आएंगे माइनस आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था राइट हैंड साइड प्रूव करना था। ये थी हमारी चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके थैंक यू।